बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप सब लोगों की दुआओं के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक जी। माशाल्लाह से जी वीकेंड आता है और वीकेंड भाग जाता है। कसमें इंज जी मैं वक्त नूं इंज पार लगे ने, इंज दौड़दा टाइम, मतलब मैनू इंज लगता सम टाइम कि मैं अज कह रही सी कि अज इतवार है, अगू फिर इतवार आ जाता है। मतलब इस तरह हो रहा है। और कम ने कि वो दुनिया के झमेले, इतने ज़्यादा झमेलों में हम लोग फंसे हुए हैं। सारा दिन हम काम करते रहते हैं, छोटे काम फिर भी नहीं मुकते। तो मैंने यहाँ पे जी रूहान और मैंने नाश्ता कर लिया था, और अब जो है वो काफ़ी लेट उठ के आई थी अरूश। तो अरूश कहती मम्मा मुझे नाश्ता बना दें। और अरूश का जो है ना, ये जब मैंने उसको एग देना हो ना, जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम करे ना एग खाने के लिए, तो फिर मैं उसके साथ ये ट्रिक करती होती हूँ। तो इस तरह से माशाल्लाह बड़ा खुश होकर जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेती है। तो बस कुछ बच्चे होते हैं ट्रिकी होते हैं, हर बच्चा ही आजकल के ज़माने से ट्रिकी और डिफरेंट है। हमारा टाइम जो है वो डिफरेंट था, इन बच्चों का डिफरेंट है, लेकिन इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं असी इंज करते सर तो तुम इंज क्यों नहीं करते, लेकिन ये कि टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। सो जो हमारी चीज़ें थी वो हम उन पर थोप नहीं सकते, ना वो टाइम वापस आ सकता है। तो इनका टाइम जो है ना, उसके हिसाब से चलना जो है वो अक्लमंदी है। इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो फिर बच्चे जो है ना, वो भी इस चीज़ को ना खुश होते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो जी ये देखें जी, उसको जो है वो कप के साथ मैंने ब्रेड निकाल ली और वहाँ पर जो है वो बटर डाल के उसके अंदर डाल दिया अंडा। तो अंडा जो क्या होगा कि वो चिपक जाएगा ब्रेड के साथ, साइड से नहीं निकलता, वो बटर निकल रहा है। और उसके ऊपर ये जो लैदा से पीस निकला है ना, इसको मैंने उसके ऊपर नहीं लगाना। बच्चे को खुश करना का जो है ना, मैं कहती हूँ माँ के को ना हज़ार तरीके होते, जो 100 तरीके नहीं 1000 तरीके होते हैं माँ को एक के पास बच्चे को खुश करने के लिए, जब आपको पता हो कि हाँ जी आपका बच्चा कैसा है। तो यहाँ पर जो है वो एग भी माशाल्लाह से खाया जाता है, और फिर जो है ना वो बड़ी खुश हो जाती है कि मम्मा कितना फैंसी सा हो गया ना। मतलब उसको फैंसी लगता है इस तरह से कि मम्मा ने मेहनत की है। तो मेहनत तो वाकई होती है, लेकिन ये कि बच्चे खुश हो जाएं बस, इस तो वड्डी गल ही कोई नहीं। और ये चीज़ ना बच्चों के लिए एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। अंडे हो गए, दूध हो गया, फ्रूट्स हो गए। तो अजवा जो है ना उसका फेवरेट है फ्राई एग, और रूहान जो है ना वो तो बहुत ही रौला पाँदा है ना फ्राई एग पे, तो अरूज जो है ना वो भी रौला डालती है। फिर मैं अगर इस तरह से बना दूँ ना, फिर वो बिल्कुल भी रौला नहीं डालती, फिर बड़ी खुश होकर खा लेती है। तो माशाल्लाह से बच्चों का फेवरेट जी। तो इसका जो है वो एग बड़ा ज़बरदस्त बन गया। और वो जो ब्रेड है ना, वैसे उसको मैं टोस्टर में करती हूँ, लेकिन आज मैंने तवे के ऊपर ही कर दिया। इसको थोड़ा सा टोस्ट करूँगी वो वाला राउंड पीस, और उसके ऊपर जो है वो मैं इसको चॉकलेट स्प्रेड लगा के दूँगी। मीठा भी हो गया साथ में, और ये देखें मज़ेदार जो है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो बन के जो है वो तैयार हो गया ज़बरदस्त। और साथ में जो है वो आप बच्चे को मिल्क दे दें, जो भी आपका बच्चा पसंद करता है, लेकिन ये बेस्ट ब्रेकफास्ट है और फैंसी भी है, बच्चे ना खुश होकर खाते हैं। तो जी नाश्ता बन गया, और आज सारा दिन जो है वो मेरा किचन में गुजर गया। रूहान का माशाल्लाह से रूम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह जिस दिन उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर आपको दिखाऊंगी। तो काम ने बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान जो है वो आ गया जी। तो अब अल्लाह ख़ैर रखे, देखते हैं जी अगर संडे का रोज़ा बनता है या मंडे का बनता है। वैसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो संडे का ही कह रहे हैं अभी तो, लेकिन अल्लाह ताला ने जो टाइम लिखा हुआ है मुकर्रर है वही होना है। और जो है वो भी मेरे समोसे बनाने वाले रहते हैं, मैं नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ। लेकिन ये कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखें इस वीक में जो है वो किसी भी टाइम जो है समोसों की शाम के टाइम ही शामत आएगी और बनाने तो हैं, या फिर सैटरडे जो है या फ्राइडे तक चला जाएगा। लेट्स सी कि क्या बनता है। और मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी तुम ऐसा करना कि ना इधर आ जाना तो हम दोनों मिलकर बना लेंगे, तो देखते हैं। अच्छा जी ये मट्टी जो है ये मैं दो थैले लेके आई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कम है, तो अब जो है ना वो मैं वो प्लांट्स जो लेके आई थी ना, वो प्याज़ों वाले गंडियाँ वाले, वो लगा दिए जी मैंने इसमें। और जो मेरे वो थे ना दूसरे ट्यूलप, वो भी उठा के वो भी मैंने इसमें डाल दिए, क्योंकि वो पहले वाली पुरानी मट्टी थी ना, तो ये वो प्रॉपर मट्टी तो होती नहीं है, तो मैंने कहा ये फ्रेश वाली है ना तो इसमें ज़रा अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये भी माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त गमला जो है वो तैयार हो गया जी। अच्छा हमारे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा ना गार्डन है, वहाँ पे ना सारे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, फ्रूट्स क्या ना दूसरे फूल पौधे सब कुछ। तो मैं वहाँ पे भी चक्कर लगा के आई थी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो वो कह रही थी कि आप टू अर्ली आ गए हैं, आप ना नेक्स्ट मंथ आइएगा, अभी ना मतलब हम लोगों का कोई भी चीज़ तैयार नहीं हुई। तो यहाँ पर जी बन रहा था बर्गर, और एक ही बर्गर था मेरे घर में बन, ये एक ही था लॉन्ग वाला। तो अजवा कहती है कि मैंने ये खाना है, तो मैंने जो है ना फिर उसके लिए ये बनाया था, और रैप पड़े हुए थे तो मैंने कहा कि हम ना रैप खा लेते हैं साथ, बना लेते हैं रैप, दोपहर का टाइम था ये ना।
तो नाश्ता जो है वो हल्का फुल्का हुआ था। आज मैंने बताया ना, आज मेरा तकरीबन सारा दिन जो है वो किचन में ही गुजर गया। क्लीनिंग तो माशाल्लाह से मैंने किचन की जो है वो पहले सारी कर ली थी, क्लीनिंग का तो कोई था ही नहीं, तो बस खाना पीना। कल चूँकि मैं जो है वो ना लगी रही कामों में, तो प्रॉपर जो है ना वो सिर्फ मैंने पास्ता बनाया था सैटरडे को, तो जो है वो संडे को मैंने कहा नहीं आज ज़रा ना अच्छा सा जो है वो खाना मैं बनाती हूँ जो बच्चे मांग रहे हैं ना वो। और पीछे जी माशाल्लाह से जो है वो फ़ोन पर मैं वॉच कर रही हूँ शादी की वीडियोज़। तो मेरी फैमिली में जो है ना पाकिस्तान में पूरा शादी वीक माशाल्लाह से चला है, काफ़ी शादियां थी तो मुझे जो है वो वीडियोस देखने को मिल जाती हैं, तस्वीरें देख कर तसल्ली कर लेने। मैं सारी फैमिली को देखती हूँ ना, मेरा बड़ा दिल करता है हाय मैं उड़ के यहाँ पे पहुँच जाऊँ। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है ना ये शाम के लिए मैं बना रही थी, मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने कभी भी ये जो है वो शान का मिक्स वाला जो ये है ना ये मैंने कभी नहीं बनाया। तो इसके ऊपर भी हलीम लिखा था, तो हलीम चूँकि अल्लाह के सिफाती नामों में से है तो कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि दालों से बनता है, इसको दलीम कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी दलीम नहीं लिखा हुआ, हलीम मिक्स लिखा हुआ है। अच्छा, मेरी फ्रेंड यही बनाती है, और जो है जो इसके ऊपर तरीकाकार लिखा हुआ था ना, मैंने उस तरीके को बिल्कुल भी जी फॉलो नहीं किया, मैं अपने तरीके ना यू बनाया जे तो ना काफ़ी अच्छा बन गया था। अच्छा, रूहान ने ना उनके घर में खाया और ना रूहान कहते मम्मा ये तो बहुत मज़े का बना है, तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मैंने कहा अच्छा बेटा ना ट्राई करते हैं। बहुत पहले जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तब मैं जो मतलब प्रॉपर सारी चीज़ें अलग अलग से बॉयल करके ना दालें शाले प्रॉपर जो बनाते हैं ना घर में हर चीज़ घर में वो वाले मैं बनाती होती थी और बहुत टेस्टी बनता था। लेकिन ये कि फिर दरमियान में छोटे बच्चे हैं खाते ही नहीं थे, तो मैं अपने लिए तो ये मतलब इतना झंझट जो है वो नहीं कर सकती। तो फिर अब माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चे कहते हैं, तो फिर मैं भी बना रही थी और ये इसको बड़े सिंपल से तरीके के साथ जो है ना मैंने अपने तरीके से बनाया, और उसके ऊपर तरकीब जैसे मैंने कहा ना लिखी हुई है। तो काफ़ी लोग यकीनन बनाते होंगे, लेकिन चूँकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और एक मैं उस तरीके को फॉलो नहीं कर रही थी, तो मैंने यही से मैं कहा अच्छा चलो कुछ ना कुछ तो होएगा ही ना कुछ तो बनेगा। अच्छा, फ्लेवर तो आएगा ही आएगा ना, शक्ल नहीं चंगी बन दी तो ना सही। अच्छा, जैसे ही मैंने वो दालें जो है ना वो डाली इसके अंदर, और मैंने ना फुल पैकेट नहीं बनाया, मैंने हाफ़ बनाया क्योंकि फुल तो बहुत ज़्यादा था, और जो इकट्ठा पाया ना तो वो बन गया ढेलियाँ। फिर मैं क्या हूँ की करूँ, फिर मैंने पकड़ा ब्लेंडर, तो मैं क्या लो जी ये किस मर्ज़ की जो है वह दवा है, तो इन ब्लेंडर के नाल ब्लेंड कर लो, अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला सौखा कम। और ना जो है ना, अच्छा कौन कौन ये इस्तेमाल करता है, कौन कौन इससे जो है वो हलीम दलीम बनाता है, जो जो है वो चूँकि मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और दूसरा ये कि मैं उसकी रेसिपी को मैंने फॉलो नहीं किया, तो मैं क्या नहीं भाई एन जी जान दो। और जो है ना ये देखिए ना, तो अब ज़बरदस्त जो है उसमें वो मसाला मसाला डाल के, लेकिन ये इसका मसाला काफ़ी तीखा होता है, काफ़ी जो है ना स्पाइसी होता है, लेकिन मैंने मसाला भी थोड़ा डाला था बच्चों के हिसाब से। और जो है ना अब इसके अंदर मैंने चिकन जो है ना उसको पहले मैंने बॉयल किया, उसकी जो यखनी थी उसमें थोड़ा सा और पानी डाला तो वो बॉयल हुआ, तो दालें डाल दी, और जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल डाल के, थोड़ा सा मैंने अनियन डाला था, और जो है ना उसके बाद उसमें क्या उसको कहते हैं जो श्रेड किया हुआ चिकन था वो डाला, उसके अंदर मसाला डाला, उसको अच्छे से भुना, तो फिर ये पाता फिर मैं क्या हाए बिच ना रेशे नज़र आम देने पे हूँ ये ना होए बच्चे फिर आखना की है, फिर ना मुझे तसल्ली ना ही हुई। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको फिर ब्लेंड कर दिया, मैं क्या होर इन घोटा ला लो, तो वो सारा मिक्स हो गया। लेकिन ये कि लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, हाँ थोड़ा सा मुझे बनाने में प्रॉब्लम हुई क्योंकि पहली दफ़ा था, लेकिन ये कि माशाल्लाह से टेस्ट बहुत अच्छा बना, बच्चों को बड़ा पसंद आया। लेकिन इसके साथ नान ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कई लोग वैसे ही चम्मच के साथ जो है वो हलीम खाना बड़ा पसंद करते हैं, चावलों के साथ बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ कि संडे था और शॉप्स हो जाती हैं जल्दी क्लोज, और मैंने इसको बनाया लेट, तो फिर जब मैं टाइम देखा मैं क्या हाँ है हूँ इस टाइम तो कोई दुकान नहीं खुली होनी कि तू नान शान तो कोई शहर नहीं लभनी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर ना रोटी बनाई, लेकिन रोटी के साथ वो वाला मज़ा नहीं आता जो नान के साथ आता है। लेकिन हम की कर सकते सर जी, मैं क्या चलो अज इंज करने हैं ना, रोटी ना खा लेने हैं, कल नान ना खा लेंगे, नहीं तो फिर कल चावल बॉयल कर लेंगे। मतलब 2 दिन तो असी चलाने चलाने ने भाई, एक दिन में तो नहीं असी इन्नी मेहनत करके, एक दिन में तो नहीं असी ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे जी रोटियाँ बन गई थी, साथ में मैंने जो है वो हरी मिर्चें जो है वो काटी, और थोड़ा सा बिल्कुल लिटिल बिट मैंने प्याज को ब्राउन किया, पता कि वो इस वास्ते थोड़ा किया कि प्याज मुक गया सी, प्याज ही कौन नहीं सी मेरे घर, देख लो तुसी मेरे हालात। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से जो है ना वो फ्रोज़न वाला प्याज जो है ना कटा हुआ वो लेके आती हूँ, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, तो वो भी मुक गया। आई इन्ना सारा बचा सा नाल नींबू तो धनिया जड़ा है वो मैंने चेता ही भुल गया उत्ते पाना ना, क्योंकि वो भी फ्रोजन बड़ा वाला, तो कोई नहीं गल खाया आप ही खाना है। नाल तो अनु बखाता वेख लो जी हमारा हलीम जो है वो बन गया, रोटियां किड़िया सोनिया बनिया हैं, तो जो है ना वो अभी इसको हम खाएंगे, तो बड़ा अच्छा टेस्ट बना था, तो करेंगे इंजॉय। और उसके बाद क्या था, लहुरे कितने टुर गया हलीम का कौला, हाँ।
कौला नहीं कौली, यहाँ देखा ना बिल्कुल अब ना प्लेन प्लेन लग रहा होगा, मतलब स्मूथ स्मूथ, तो मैंने उसको ना ब्लेंड कर दिया था। फिर तो इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें, और देखो मैं किन्नी तुहानू उत्ते हरिया मिर्चा पा के वहाँ बाद में ला दीतियाँ सजे, क्योंकि बच्चे तो हरी मिर्चें नहीं खाते ना। मैं क्या पाच गया, मैं क्या हाय है नाजरीन हाजरीन नू दस दें दी कि भाई मैं अपने लिए काटी है, मैंने ऊपर डाल दी और फिर मुझे ये उठानी पड़ी है ना। आते मेरे हालात ने। अब रूहान को लेमन पसंद है, रुशदबा को लेमन नहीं पसंद है, तो मैं नींबू भी नहीं जोड़ता है। मैं क्या हाँ हाय आ की बन गया। फिर ये रूहान ने खाया, मिर्चे मैंने ऊपर से उठा दी, तो प्याज तो किसी ने भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने खाया, वो भी थोड़ा सा था बेचारा। चुन्ना मुन्ना सा। चले जी, इंशाल्लाह जी दुआ में रखिएगा याद जी। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं डेली की जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप बड़े प्यारे लोग हो जो मुझे अप्रिशिएट करते हो, इतना प्यार देते हो। हाँ कहीं कहीं ओंगे बोंगे भी आ जाते हैं, गल्ला गुल्ला करने वाले भी, लेकिन ये कि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। दुआ में रखिएगा याद, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।